किचन में इडली बनाने के लिए, इडली के लिए दो कप दो कटोरी सूजी आप ले लीजिए, दो कटोरी सूजी। पहले आप डालिए थोड़ी सी हल्की सी मीठा सोडा, क्योंकि पहले डालने से सही रहता है, नहीं तो बाद में बैठ जाता है। और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसको मिक्स कर लिए अच्छी तरह से, ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। उसके बाद हमने एक कटोरी दही डालेंगे, एक कटोरी दही डालेंगे, उसको भी फिर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डालते रहेंगे और उसको अच्छी तरह से, जब तक ये फूल जाती है तब तक इसकी हम इडली की तैयारियां कर लेते हैं। ये इडली के लिए ये फ्राई पैन लेकर थोड़ी सी पानी डाल के तेल डाल देने से चिपकती नहीं है इडली, जो मेरी इडली है वो चिपकेगी नहीं और अच्छी तरह से निकलने में सुविधा हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से हाथों से ऐसे फेंट लेंगे। और इसको अच्छी तरह से कुक करके इसमें डालते जाएंगे। इसके बाद में हल्की हल्की से देंगे, क्योंकि मार्जिन रखेंगे ऊपर के लिए फूलने के लिए, ये ऊपर से फूलती भी है ये ज़्यादा अच्छी तरह से। इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको 5 मिनट के बाद में निकाल लूँगी। अब 2-3 मिनट के बाद हमने इसको एक बार चाकू मारकर देख लेंगे, सीजी के नहीं, ऐसे इससे पता चल जाती है अगर इसमें चिपकती नहीं है, चिपकती नहीं है तो लगता है कि हाँ ये सीज गई है। अब मेरी इडली बनकर तैयार है, जैसे कि 2 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल दिया एक एक करके। चटनी नाश्ते के लिए रेडी हो गई। मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।